जय हिंद दोस्तों। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर फिलाडेल्फिया, जो कि जो बाइडेन का होम टाउन है, वहां पहुंचे और जो बाइडेन उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले गए, भैया चलो हमारे घर बैठकर चाय पानी पियो, बातें तो बाद में होती रहेंगी, बस यही चीज देखकर पाकिस्तानी मीडिया में और कुछ भारतीय लिबरांडो में आग लग चुकी है। और ये पाकिस्तानी लिबरांडो क्या बात करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उनका काफिला पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर, फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है। निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर। आज की अगर न्यूज बताता जाऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, सर रवाना हो गए हैं अमेरिका के विजिट के लिए। 7 दिन का विजिट है उनका। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। उनका इस्तकबाल रेड कार्पेट के साथ किया जाता है। जो बाइडेन खुद जाते हैं, हमारी वैल्यू, हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है। मोदी से मुझे 1000 इख्तलाफात हैं लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहां की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ, जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फार्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के, नफरतों के पुल बनाए आपने। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। पैक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टेक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपे लगा के धर्म की, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया, धर्म को कारोबार बना लिया। काफिला पहुंचा राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर, फिलाडेल्फिया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंची और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन और इस्तकबाल किया है। निश्चित तौर से गर्मजोशी भरी इस मुलाकात से पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर। आज की अगर न्यूज बताता जाऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, सर रवाना हो गए हैं अमेरिका के विजिट के लिए। 7 दिन का विजिट है उनका। हमारे शहबाज शरीफ साहब आज पहुंच जाएंगे और उन्हें बताया गया कि ये होटल का रूम है और यहीं पर आपने रहना है। अभी जो बाइडेन का एक जो उन्होंने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हमारे पास आएंगे उनको मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा, अपने घर पे बिठाकर उनको खाना भी खिलाऊंगा और विजिट भी करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, और उनकी मीटिंग भी फिक्स होगी कि ये अपने डायस्पोरा के साथ, जो इंडियन डायस्पोरा, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बात करने का पर्पस आपसे ये कि इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों, उनका इस्तकबाल रेड कार्पेट के साथ किया जाता है, जो बाइडेन खुद जाते हैं, हमारी वैल्यू, हमारी प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका। उसका मुद्दा ये बात है, जो इंडियन पॉलिटिशियन है हमसे बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटिशियन बहुत अच्छी है। कैसे कैसे? वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। उनकी इकानमी आप देख लें, हमारा हाल देख लें, लिया इनको बगैर चोरी के और कोई काम ही नहीं है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। दुनिया की नजरें सारी इंडियंस के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। मिडिल ईस्ट देख ले, इस्लामी मुल्क कहते हैं हम, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा तलुकात इंडिया से बेहतर करना चाहते हैं। इंडिया जो है इकानमी तो उसकी हमसे कई गुना आगे है ना, बाकी वो एस्टेब्लिश मुल्क है, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, ये हमारा जवाल है जिसको बेहतर करने के लिए हमें सोचना चाहिए। आपके अपने लोग जो है ना, पाकिस्तानी लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान है उनका पैसा बाहर लगा हुआ है, तो हमारे जो लोग हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो गैर ममालिक कैसे करें? उनके जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं तो दूसरे लोग उनको देख के ऑटोमेटिकली करते हैं। जब हम खुद ही अपने आप को महफूज नहीं इधर समझते तो वो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे ऊपर। अगर बात करें नरेंद्र मोदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है यूएसए, अगर मैं देखूं, अगर आप देखेंगे दुनिया इस टाइम नरेंद्र मोदी की तारीफें करती है, इंडिया की तारीफें करती है, इंडिया के डायस्पोरा की तारीफें करती है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ करती है, लोगों की तारीफ करते नजर आती है। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं रेड कार्पेट बिछाकर, जो बाइडेन खुद उनको रिसीव करने आते हैं, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यहाँ से कोई नहीं आता, उनके कोई डिफेंस मिनिस्टर आ गए या कोई उनका थर्ड पार्टी जो कि दुनिया किसी को कुछ समझती नहीं है, वो आके हमारे रिसीव करेंगे, ऐसा क्यों है? हर चीज में वो सबसे आगे हैं तो वो वेलकम तो करेंगे, बड़ी बिग माशत है बहुत ज्यादा उनका। सब तो देखे ना, वो दुनिया में राज कर रहे हैं किस वजह से, हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता?
देखिए उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता, लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें, तो हमें वेलकम क्यों करें? दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, पांचवा पासपोर्ट हमारा है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जो दूसरी कंट्रीज हैं इराक वो कहाँ पर है, लीबिया कहाँ पर है, ये जितने मुस्लिम मिस्र कहाँ पर है। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल भिखारी है, वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है, वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है, वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है, और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे, वो सब कर्जदार है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है? नहीं, जाने का मकसद बनता है, लंदन में अपने जो फ्लैट हैं उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क्याम होगा, और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा, जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। आखिरी दौर जो था, मैं आपको पता है मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे तो मैं हर वक्त उसको पढ़ता रहता हूं। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर, बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था, और वहां पे लोग रेसिस्ट प्रेजुडिस नहीं थे, वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पड़े हैं, और आज भी उनके लिए उनके जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे, किताबों की ट्रांसलेशनें होती थी, फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी, फिर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के बारे में कभी आप पढ़े तो बहुत बड़ा एक समुन्द्र का दरिया था, बल्कि उसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियों को जलाया ना जाता तो शायद इंसान जो है वो चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के, नफरतों के पुल बनाए आपने। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टैक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बाइडेन किस तरह से नरेंद्र मोदी का हाथ दबाए उनको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं कि मोदी जी आ जाओ, हमारी बहू ने बहुत अच्छे पेड़े बनाए हैं, पेड़े खाकर जाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि नरेंद्र मोदी इस समय जब डोभाल जी पर केस किया गया खासतौर पे खालिस्तानियों के द्वारा, और मोदी जी के पहुंचने से पहले व्हाइट हाउस पर खालिस्तानी लीडर्स के साथ जो मीटिंग की गई वो इसलिए की गई कि जो भी डील्स होंगी, जो भी डील्स इंडिया अमेरिका के बीच में साइन की जाएगी तो इस बात को बीच में रखकर बार्गेनिंग की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचते ही ये कह दिया कि भैया तुमने हमारे बब्बर शेर को छेड़ दिया, अब तुम बच कर दिखाओ। अब खालिस्तानियों का सफाया होना तो लाजमी है, दूसरी बात है कि पाकिस्तान में आग क्यों लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी 7 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, और उनका जो इस्तकबाल हुआ वहां के एक मिनिस्टर ने किया और उनको एक होटल रूम दे दिया गया कि भैया यहाँ पे ठहरो, लेकिन मोदी जी को अपने घर लेकर गए। अब आप किसी भी बंदे को अपने घर तभी ले जाते हैं जब आपको भरोसा होता है, जब आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा रखते हैं और उसको अपना मित्र मानते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है। अब इस चीज को देखकर दुनिया के देश भी, दुनिया के पीएम भी, दुनिया के प्रेसिडेंट भी नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल इसी तरह से करेंगे। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कैसे होता है, वो तो ऑटोमेटिक है। नरेंद्र मोदी की छवि इस कदर बन चुकी है, भारत की छवि इस कदर बन चुकी है कि भारत अब वर्ल्ड लीडर बन रहा है। वहीं क्वाड में नरेंद्र मोदी को ये भी कहा गया कि भारत इसकी अगुवाई करेगा। दरअसल
इंडो पैसिफिक रीजन का भारत ही लीडर है, तो इस वजह से भी ये कोशिश की जा रही है कि भारत को इस क्षेत्र में लीडर घोषित किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी एंटी चाइना के उसमें नहीं है। बाकी आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।